कैसा लगा वो तो ऑडियंस बताएगी। इवेंट बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मजा आया। लाइक इट्स वेरी लवली ऑडियंस और ये हमारे लिए बहुत प्लेजर की बात है कि हमें ऐसा मौका दिया गया, हमने परफॉर्म किया ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली होता है क्योंकि ऑडियंस मूविंग रहता है, ऑडियंस आते जाते रहता है, वो लोग कभी रुकते हैं जब हम इतना पावरफुल म्यूजिक हम अगर प्ले करते हैं वो तभी रुक पाते हैं। तो हमने तो पूरी जान लगा दी, आप देख रहे होंगे कि हमारा गला भी बैठ गया अभी गाने आगे, तो बस यही है। आप मुझे बताइए अपना एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा था, ऑडियंस ने भी काफ़ी साथ दिया हमारा, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था ऑडियंस का, बिकॉज हम लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्ले करते हैं, दे आर बैंड कॉल्ड फोक मस्ती। सो हम लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्ले करते हैं और हम लोग भी हमारा एक नया सॉन्ग रिलीज हो रहा है जाम इंडिया, उसको भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब में। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे हम लोग एक हमारा खुद का गाना भी रिलीज़ कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया, मैंने नीचे भी अनाउंस किया कि वो कल रिलीज़ होगा एक्टिव इंडीज में। वो सब लोग मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको उनसे उम्मीद है कि एमटीवी इंडीज पे वो चेक करें जरूर सॉन्ग जागो इंडिया। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू सो मच फॉर आवर। आई होप इस इंडिपेंडेंस डे के बाद जो भी पूरा कंट्री है वो और यूनाइट हो जाए और अच्छे से आगे बढ़े, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, यह फोक मस्ती।